हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे बुद्धिज्म बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिज्म का ओरिजिन जो है वो गौतम बुद्ध को ही माना गया है, उन्हीं से जोड़कर देखा जाता है। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में, और जो अभी प्रेजेंटली नेपाल में है। और 563 BC में उनकी पैदाइश हुई थी, ये इस वक्त पे, ठीक है। लुम्बिनी में अभी इस तरह का एक टेंपल बनाया गया है उनके बर्थ प्लेस पे। और जब वो पैदा हुए थे तो उनके माँ बाप ने उनका नाम रखा था सिद्धार्थ गौतम, और उनकी माँ का नाम माया माया है, या फिर बहुत सारे बुक में आपको महामाया भी मिलेगा, महामाया भी मिलता है। और फादर्स का नाम सुद्धोधन था, क्योंकि वो एक राजा थे शाक्यन किंगडम के, तो उसको किंग सुद्धोधन भी कहते, ठीक है। उनकी उनका जो जन्म हुआ था वो वैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैसाखी पूर्णिमा हिंदी कैलेंडर में एक मंथ होता है जिसका नाम होता है वैसाख वैसाख, और वैसाख में जिस दिन फुल मून डे होता है उसे ही वैसाखी पूर्णिमा कहते हैं, और वैसाखी पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध की जयंती मनाई जाती है, ठीक है। और उनकी जो शादी हुई थी वो एक प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, यशोधरा नाम था, और उन दोनों से एक उन्हें बेटा भी था जिसका नाम राहुल रखा था। और 29 साल 29 ईयर्स ओल्ड में उन्होंने घर अपना छोड़ दिया था, और घर जब छोड़ा था तो अपने घोड़े कंठक और अपने चैरिटर यानी कि सारथी, जो कि उनके रथ चालक थे, उन जिनका नाम था चन्ना, उनको साथ ले गए थे। और तकरीबन 6 साल तक वो जंगलों में यहाँ वहाँ भटकते रहे, कुछ टीचर्स के पास सीखने के लिए इधर उधर भटकते रहे, और 35 साल के उम्र में जाके उनको इनलाइटमेंट यानी कि निर्वाण हासिल हुआ। और वो भी अपने जन्मदिन के ही, जिस दिन जन्मदिन था उसी दिन, ठीक है। और निर्वाण हासिल करने के बाद उन्होंने अपना पहला जो प्रवचन दिया था वो सारनाथ में, और इनलाइटमेंट जो हासिल हुआ था उन्हें वो बोधगया में हुआ था, जो कि बिहार में है, गया डिस्ट्रिक्ट एक है वो वहाँ पर है, और एक पीपल ट्री के नीचे। और पीपल ट्री को ही अक्सर बोधि ट्री कहते हैं, क्योंकि उन्हीं के नीचे उनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये बोधि बोधि वृक्ष का एक फिगर है, और ये सारनाथ में जो डियर पार्क, जहाँ उनको जो उन्होंने अपना पहला प्रवचन यानी कि फर्स्ट सरमोन दिया था सारनाथ में, जो कि वाराणसी में, वही वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये याद रखना है, डियर पार्क सारनाथ पहला सरमोन, ठीक है, 5 लोगों को दिया था। और उनके जो पहले टीचर थे उनका नाम था अलारक लामा, और इन्हीं से इन्होंने सीखा था मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना, इन्हीं से सीखा था मेडिटेशन करना, ठीक है। और दूसरे टीचर उनके थे उद्रक रामपुत्र, ठीक। और ये जो इन्होंने पहला सरमोन दिया था ना, फर्स्ट सरमोन या प्रवचन हिंदी में कहेंगे, तो इसी को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तना, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, अंग्रेजी में टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, ठीक। और बुद्ध धर्म में 3 रत्न ऐसे जिसको कि सभी जितने भी बुद्ध के अलग अलग सेक्ट हैं, अलग अलग पंथ हैं, वो सभी मानते हैं, यानी कि क्या क्या 3 रत्न हैं? एक बुद्ध, धम्म और संघ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बुद्ध जो इनलाइटेंड वन है यानी कि प्रबोध जो थे उनको मानते हैं, और धम्म यानी कि टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्ध ने जो सिखाया था उसे, और संघ को मानते हैं। संघ क्या है? ऑर्डर है या एक ग्रुप है, किस चीज़ का? वो मॉन्क का। और सब शुरुआती में संघ जो था वही, ये संघ बना था 5 लोगों से, 5 कंपेनियन से, जो कि जिन्हें कि गौतम बुद्ध ने पहला अपना
सरमोन दिया था। ठीक है, और कुशीनगर में उनका देहांत हो गया था 483 BC में, 483 BC में, 80 साल की उम्र में। और उनके डेथ को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, कुशीनगर में उनके उनकी डेथ हुई थी, और वो अभी यूपी में स्थित है। ठीक है, ये जगह कुछ यूपी में स्थित है। ठीक है, उन्हें तथागत और शाक्य मुनि के भी नाम से कुछ कुछ किताबों में लिखा भी जाता है, कुछ कुछ टेक्स्ट में भी, पुराने टेक्स्ट में भी लिखा गया है। ठीक है, और बुद्धिज्म में ऐसा माना जाता है कि उनके जो प्रीडिसेसर थे, उनके उनसे पहले जो बुद्ध से पहले थे, वो थे कश्यप बुद्धा। ठीक है, ये उनका इमेज है, कश्यप बुद्धा। और उनके बाद जो होंगे, जैसे कि कृष्ण की ये मानी जाती है कि सॉरी, विष्णु, विष्णु के एक अवतार अभी आने बाकी हैं। उसी तरह से बुद्ध के बाद कहते हैं कि ये आएंगे जिनका नाम होगा क्या, मैत्रेय। ठीक है, जिनका नाम होगा मैत्रेय। और उसके बाद इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर की बात करते हैं, फॉलोअर के बारे में बात करें तो बुद्ध जो है फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड है, चौथे सबसे बड़े धर्म को मानने वाले के हिसाब से चौथे सबसे बड़ा धर्म है। ठीक, तो अब देखिए बुद्धिज्म में जो है कि चार ऐसे सत्य बताए गए हैं जो कि बेसिक सत्य जो सभी सेक्ट मानते हैं, वो फोर नोबल ट्रुथ्स क्या हैं इसकी फिलॉसफी बुद्धिज्म की, वो ये कि ट्रुथ ऑफ सफरिंग यानी कि दुख, दुख का सच क्या, और फिर दुख का ओरिजिन क्या, सफरिंग का ओरिजिन क्या यानी कि दुख समुदाय, और तीसरा ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग यानी कि दुख निरोध। दुख सेसेशन होता है टू स्टॉप समथिंग, मतलब किसी चीज़ को रोकना, तो उसको रोकना कैसे है, और रोकने का चौथा ये है कि सफरिंग को रोकने का रास्ता क्या है, उपाय क्या है, और उस उपाय क्या क्या बताया गया, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, अष्टांगिका मार्ग। ये अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका अष्ट से बना है, यानी कि आठ, एट ऐसे पथ हैं जिससे कि आप इसको सफरिंग से दूर हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से पाथ बताए गए हैं, एट नोबल पाथ्स, ये है कि पहला काइंड होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, राइटफुल स्पीच होना चाहिए, दूसरा ऑनेस्ट होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, और अपने लिए ऐसा कोई जीविका का मार्ग ढूंढना चाहिए जिससे कि किसी और को नुकसान ना हो, राइट एफर्ट होना चाहिए, और कल्टिवेट सेल्फ कंट्रोल, खुद के अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, राइट मेडिटेशन होना चाहिए, एंड कंसंट्रेटिंग ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन के महत्वपूर्ण विषय पर आपका फोकस होना चाहिए, और एक अच्छे इन महान और सिंसियर आदमी का महत्व तभी है, मोल तभी है जब वो आदमी का विचार सही है, थॉट सही है। ठीक है, तो इसलिए राइट थॉट्स होने चाहिए। वन शुड अवॉइड सुपरस्टिशन, एक सुपरस्टिशन को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और कल्टिवेट राइट अंडरस्टैंडिंग, और अपना सही अंडरस्टैंडिंग कल को जन्म देना चाहिए। ठीक है, तो ये एट नोबल पाथ्स हैं, ठीक है, जिससे कि सफरिंग को दूर किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि बुद्धिज्म कितने अलग अलग सेक्ट्स में बटे हुए हैं। तो बुद्धिज्म सबसे पहले हीनयान और महायान में बटे थे। कनिष्क जो राजा थे उनके वक्त में हीनयान और महायान में ये बटा, और उसके बाद हीनयान दो और रास्ते में बटा, वो थेरवाद और वज्रयान में। तो कनिष्क के समय में बहुत स्प्लिट हो गया हीनयान महायान में, और महायान को देखते हैं कि महायान बुद्धिज्म क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। महायान को फॉलो करने वाले ही सबसे ज़्यादा हैं बुद्धिज्म में। ठीक है, मेजॉरिटी इसी की है, और इसी को बोधिसत्वाना भी कहते हैं, और बोधिसत्व व्हीकल भी कहते हैं, और इसे ग्रेटर व्हीकल भी कहते हैं। नाम से भी पता लगता है कि महा, महा मतलब बड़ा, इसलिए ग्रेटर व्हीकल। ठीक है, और ये आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं, और
ये आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं। बोधिसत्व केम फ्रॉम महायान बुद्धिज्म, ठीक है। तो बोधिसत्व क्या है, व्हाट इज बोधिसत्व? बोधिसत्व वो है, वो लोग हैं बोधिसत्व, वन हु हैज जनरेटेड बोधिचित्त, वैसे लोग जो कि बोधिचित्त को जनरेट किए हैं, किस लिए? टू अटेन बुद्धहुड, बुद्धहुड को अटेन करने के लिए, ठीक है, उसे बोधिसत्व कहते हैं। और अल्टीमेट गोल क्या है इसका? वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। और बोधिसत्व जो एकम्प्लिस किए हैं इनलाइटमेंट के लिए, ठीक है, उसे सम्यक सम्यक संबुद्धा कहते हैं, सम्यक संबुद्धा कहते हैं, ठीक है। कनिष्क के टाइम पे, वो तो मैं बताया ही आपको, कनिष्क जो कि कुषाण डिनेस्टी के राजा थे, उन्होंने ही महायान सेक्ट का खोज किया था। महायान स्कॉलर्स ने संस्कृत, वो लोग संस्कृत का लैंग्वेज यूज़ करते थे, वैसे ही हम देखेंगे कि हीनयान में वो लोग पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। प्रोमिनेंट महायान टेक्स्ट जो है वो है एक लोटस सूत्रा और महावंसा। लोटस सूत्रा इज़ द मोर इम्पोर्टेंट वन, और इससे कुछ कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि 6 परफेक्शंस का नाम बताइए जो कि लोटस सूत्रा में के हिसाब से माना जाता है। तो लोटस सूत्रा के हिसाब से क्या 6 परफेक्शंस माना जाता है? वो है दान यानी कि जेनरोसिटी, सिला यानी कि मोरालिटी, शांति जो कि पेशेंस टॉलरेंस को कहते हैं, वीर यानी कि एनर्जी, ध्यान यानी कि कंसंट्रेशन, वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन, प्रजना, प्रजना क्या है? विजडम है, इनसाइट है, इसको कहते हैं। ये 6 परफेक्शन है लोटस के, लोटस सूत्र के अनुसार। तो आप इसको बस याद रखना है और कुछ नहीं करना। और ये जो बोधिसत्व आपको मैंने बताया, तो बोधिसत्व इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होते हैं जो भी इसको अटेन कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं अभी तक, तो उनको देखते हैं। एक तो अलोक वीरा जिनको माना जाता है, उनका दूसरा नाम उनका पद्म पानी भी कहते हैं, ठीक है, पद्म पानी कहते हैं। और इनको अक्सर डिपिक्ट किया जाता है लोटस फ्लावर को हाथ में रखे हुए, ठीक है, और अजंता केव के पेंटिंग में भी उन्हें ऐसे ही दिखाया गया है, लोटस हाथ में रखे हुए। ये आप पिक्चर देख रहे हैं साइड में, इस पिक्चर में भी ये इन्होंने ये लोटस यहाँ होल्ड करके रखा है अपने हैंड में, ठीक है। और अब आते हैं वज्रपाणि। वज्रपाणि वो जिनको कि बहुत पावरफुल माना जाता है, मैनिफेस्ट ऑल पावर्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के सारे पावर रखते हैं और 5 तथागत के भी पावर रखते हैं, ठीक है। मंजूश्री एक लेडी डेटी हैं जो कि जिनके के हाथ में हमेशा एक वील्डिंग सोर्ड दिखाया जाता है, ठीक है, इस तरह से पहचानते हैं। और भी बाकी बहुत सारे हैं, जैसे तारा हो गई, या मैत्रेय हो गए, अक्षगर्भ हो गया, तो स्कंद हो गए, स्कंद का भी नाम आपने बहुत सुना होगा। यही सब हैं, ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। अब देखते हैं हीनयान बुद्धिज्म। हीनयान नाम से ही पता लग रहा है कि हीन है, हीन मतलब कि बेकार है, छोटा है, तो ये क्या हो गया? लेसर व्हीकल हो गया, कंसिडर्ड एज लेसर व्हीकल, ठीक है। और ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं, और ये बिलीव करते हैं सेल्वेशन में। सेल्वेशन क्या? मुक्ति यानी कि आज़ादी, एंड अल्टीमेट एम इज निर्वाणा, और अल्टीमेट एम इसका निर्वाणा है, ठीक है। और पाली लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं, जैसे आपको महायान बुद्धिज्म में मैंने बताया कि वो लोग कौन सा संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, और हीनयान में पाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और अशोक इसके फॉलोअर थे, सम्राट अशोक, ये आपको पता होगा, ये बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के पार्ट रहे हैं। अशोक हीनयान बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले में से थे। और हीनयान अभी के वक्त में, नाउ ए डेज इट्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है, बहुत बहुत ही रेयर हैं जो कि हीनयान बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। उसके बाद थेरवाद में आते हैं। थेरवाद ये स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स हैं, ठीक है, यूज बुद्धा टीचिंग प्रिजर्व्ड इन पाली कैनन। अल्टीमेट गेम गोल इज द सेसेशन ऑफ द क्लेशास, इन सब के स्टॉपिंग के लिए इसका अल्टीमेट एम इसका यही है, ये कि एंग्री, फियर, जीलसी, रिजॉर्ट, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को के ऊपर विजय प्राप्त करना। समथ एंड विपासना फॉर्म्स एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नोबल एट फोल्ड पाथ, इनके साथ में, इसमें समथ और विपासना भी जोड़ते हैं ये लोग,
जो नोबल एट फोल्ड पाथ है उसमें ये दोनों भी जुड़ता है। थेरवाद बुद्धिज्म में बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ विभाजवाद यानी टीचिंग ऑफ एनालिसिस, सिर्फ एनालिसिस के जैसी चीज़ों पे ये बात करते हैं। और देखिए थेरवाद से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है वो ये है, ठीक है, विशुद्ध मग्गा को के राइटर कौन है, किन्होंने लिखा है? बुद्ध घोष, ठीक है, बुद्ध घोष ने लिखा है विशुद्ध मग्गा, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये थेरवाद हो गया और सेकंड हाईएस्ट फॉलोअर हो गया। फर्स्ट क्या बताया था? फर्स्ट मैंने बताया महायान, महायान बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले। सेकंड कौन हो गया? थेरवाद। हीनयान लगभग नॉन एग्जिस्टेंट हैं। तो चौथे जो आपके वज्रयान हैं वही थर्ड हाईएस्ट फॉलोअर्स हैं। तो अब चलिए अब देखते हैं वज्रयान में, वज्रयान बुद्धिज्म क्या है। ये थोड़ा सा हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस्ड है, हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। इसका क्या मतलब है कि पूजा पाठ में यकीन करते होंगे, तंत्र मंत्र में यकीन करते होंगे। तो इसी तरह की बात भी है कि इनका इनकी जो देवी हैं, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट देवी है उनका नाम तारा है। और महायान बुद्धिज्म बुद्धिस्ट फलसफी को भी मानते हैं और तंत्र मंत्र को भी मानते हैं। और पूरी दुनिया में लगभग सिर्फ 6% बुद्धिस्ट ऐसे हैं जो कि वज्रयान बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो कि पूरे बुद्धिज्म से जुड़े हैं उनको देखते हैं। नागसेना थे, नागसेना कौन है? नागसेना है मेनेंडर को, उन्होंने मेनेंडर एक ग्रीक के किंग थे, उनको एक कन्वर्सेशन उनका उनके साथ बहुत इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन हुआ था जिन्हें की एक बुक में कंपाइल किया गया है और उस बुक का नाम है मिलिंडा पानो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। मिलिंडा पानो 150 BC में ये लिखा गया था, ठीक है, कंपाइल किया गया नागसेना। आप देखते हैं नागार्जुना, नागार्जुना कौन? फाउंडर ऑफ माध्यमिक स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म, ठीक है। बोधि धर्म, बोधि धर्म ट्रांसमिटेड बुद्धिज्म टू चाइना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया करता है बोधि धर्म। और पद्म संभव, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, पद्म संभव जो कि कंटेम्पलेटेड एज सेकेंड बुद्धा, दूसरे बुद्धा उसको माना जाता है, सेकेंड बुद्धा उसको माना जाता है, ठीक है। तो बुद्धिज्म के लिए इतना एनफ है, लगभग सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। अगर कुछ बचा होगा तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा। तो यहाँ पर अभी थैंक यू, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी थोड़ा इनक्रेजमेंट मिले इस वीडियो को और कंटिन्यू करने में, चैनल को कंटिन्यू करने में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर नाउ।